वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेज मामला। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिकांग के बारे में कि कोशिकांग होता क्या है। ठीक है, तो कोशिकांग होता क्या है और कोशिका के कितने अंग हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिकांग का अर्थ ही होता है कोशिका के अंग। कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन कि कोशिका के कितने अंग होते हैं। तो पहला पढ़े अपन तो पहला होता है केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम। फिर अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम। फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे अपन हरित लवक के बाद पढ़ेंगे अपन गोल्जीकाय, और गोल्जीकाय के बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन तारककाय। इस प्रकार से सात अंगों के बारे में अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं अपन कि केंद्रक होता क्या है। अगर केंद्रक की बात करूं मैं, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग यही होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, और एक कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रक, प्रबंधक या राजा, कोशिका का सीपीयू भी कहा जाता है। और नियंत्रक प्रबंधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। ये पहला सबसे बड़ा था, ये दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी खोज की बात करें तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज की थी अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने और इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। इसको क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। अब इसको बायोब्लास्ट नाम दे दिया। फिर बात करें अपन कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा नामक जो वैज्ञानिक था उसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और एक वैज्ञानिक और आता है फ्लेमिंग। एक वैज्ञानिक कौन सा आता है? फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग ने भी इसको नाम दिया, और वो नाम था फाइला। क्या नाम था? फाइला। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा अंग है। खोज तो अल्टमैन ने की है और इसको बायोब्लास्ट नाम दे दिया। उसके बाद फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया, क्या उसने नाम दिया? ये फाइला। और उसके बाद एक वैज्ञानिक था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और विशेष रूप से और पढ़े इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो यह दोहरा आवरण होता है। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी जो सतह होती है ना, वो दोहरे आवरण होती है, और जो इसकी आंतरिक जो सतह होती है इसको क्रिस्टि कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्रिस्टि। और ये क्रिस्टि होती है, इसके ऊपर ट्रिकेनोमा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम। और ये जो ऑक्सीसोम होते हैं, ये इस पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, या सक्रिय स्थल कहा जाता है। ये इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ा आपने। अगली बात करें अपन राइबोसोम की, तो ये जो राइबोसोम होता है इसको प्रोटीन का खजाना भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन का खजाना, या फिर प्रोटीन का भंडार भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण अपने यहाँ पर राइबोसोम के अंदर ही होता है। इसकी खोज की बात करें तो जी ई पेलेड नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। जी ई पेलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, प्रोटीन के खजाना, प्रोटीन का भंडार, प्रोटीन का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम की बात करते हैं। अगला है अपना लाइसोसोम। ठीक है, तो चौथे नंबर का है अपना लाइसोसोम। इस लाइसोसोम को खोजा था डी डवे नामक वैज्ञानिक ने। कौन सा वैज्ञानिक ने? डी डवे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, और इसका नाम लाइसोसोम रखा। ठीक है, और ये जो लाइसोसोम होती है एक विशेष आकार की होती है। इसका आकार होता है थेलेनुमा।
थेलेनुमा आकार का होता है जिसमें 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, 40 प्रकार के होते हैं। जब यह थैला पूर्ण रूप से भर जाता है कौन से पदार्थों से? अवशिष्ट पदार्थों से। जब इसमें अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है इस कोशिका में और पूर्ण भर जाता है तो यह थैला पूर्ण अवशिष्ट पदार्थों से भर जाने के कारण फट जाता है और इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसको? इसको लाइसोसोम को। क्या कहा जाता है? सेल, यानी कि कोशिका का आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगला हरित लवक। तो हरित लवक को क्या करते हैं? हरित लवक को कहा जाता है पादप कोशिका का रसोईघर। क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोईघर, पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। पादप रसोईघर कोशिका का रसोईघर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्णक पाए जाते हैं, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं? भोजन निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद अगर अगली बात करें, उसके बाद में अगला है अपना क्या है? गोलजिकाय। तो गोलजिकाय क्या होता है? ये गोलजिकाय जो होता है इसकी खोज किसने करी? सबसे पहले ये देखते हैं गोलजिकाय की खोज किसने करी थी, चलो कमेंट में बताइए गोलजिकाय की खोज किसने करी थी। अगर आपने एक बार भी ठीक से पढ़ लिया होगा तो इसकी खोज के बारे में बात आपको पता होगा, तो इसकी खोज के बारे में मुझे कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, वैसे कमेंट में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं भी बता दूंगा कि इसकी खोज किसने की थी, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उसके बाद कारक काय की बात करें तो ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तारक काय। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके बारे में पूर्ण महत्वपूर्ण एक साथ बात कर लेते हैं कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिका होता है, कोशिका के ही अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप बात करते हैं कि केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और उसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा? उसके बारे में अपन ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, अल्टमैन ने खोज की थी और अल्टमैन ने बायोब्लास्ट नाम दे दिया था। उसके बाद फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दे दिया? फाइला नाम दे दिया। फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया ये जाने तो किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। फिर पढ़ा अपने राइबोसोम, प्रोटीन का खजाना, प्रोटीन का इंजन जी पेलेट ने खोज की। उसके बाद लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है कि लाइसोसोम एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। इन सबके बारे में पढ़ा और इसकी खोज अपन उस डी डवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। हरित लवक की बात कर ली, पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने गोलजिकाय की बात करी, गोलजिकाय के बारे में आपको कमेंट में बताना है सही। उसके बाद तारक काय की बात करें तो तारक काय जो होता है वो जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और एक केंद्रक की महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो केंद्रक होता है उसमें किसी न किसी कोशिका में एक केंद्रक तो पाया ही जाता है। लेकिन प्रकृति में एक प्राणी ऐसा है जिसका नाम है क्या? उसका नाम है पैरामीशियम। उसका नाम अगर बात करूं मैं तो पैरामीशियम। ये पैरामीशियम प्राणी ऐसा है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। आशा करता हूं मुझे कमेंट में जरूर बताना है आपको कि गोलजिकाय की खोज किसने की थी। अगर आपको नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन खोल के देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गोलजिकाय की खोज किसने की थी। धन्यवाद।